एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक सहपऊ में स्थित लोधई गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 5 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर है। लगभग 5500 की आबादी व 1900 वोटरों द्वारा सतीश कुमार को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 340 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 310 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 58 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 9 हैंडपंपों को भी रिवोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 150 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर व 50 स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 15 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया व चक्रोड का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 125 इज्जत घरों, 2 लोहिया आवास व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, शमशान घाट, स्वास्थ्य केंद्र, बैंक, बारात घर, डाकघर, पशु चिकित्सालय, इंटर कॉलेज, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रतिनिधि राकेश कुमार पचौरी, ग्राम पंचायत लोधई, ब्लॉक सहपऊ, डिस्ट्रिक्ट हाथरस। इसमें हमने अपने गांव के अंतर्गत 14-15 सीसी गलियों का, खंजों का निर्माण कराया है। 125 शौचालय बनवाए गए हैं। 50 LED लाइटें भी लगवाई गई हैं। 2 PM आवास भी बनवा दिए गए हैं और 2 लोहिया आवास बनवाए गए हैं तथा स्वयं अपनी आत्मीयता के साथ जनता को देखते हुए 60 कंबल भी अपने स्वयं द्वारा बनवाए गए। ज़्यादातर अधिकतर जो है ग्राम की समस्याओं को देखते हुए गलियों में गड्ढा और कीचड़ अधिक होने से हमने स्वयं के द्वारा उन गड्ढों को भरवाना और नालियों की दुरुस्तीकरण कराया गया है। अब हम सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत शमशानों का सौंदीकरण हो जाए, स्वास्थ्य केंद्र एक स्थापित हो, साथ ही अधिक जो आबादी होने के कारण यहाँ बैंक का भी निर्माण होना चाहिए, जिससे कि आने जाने पैसा लाने जाने में सुरक्षित महसूस हो। साथ ही हमारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक पोस्ट ऑफिस, एक पशु चिकित्सालय भी होना अनिवार्य है। ज़्यादातर गांव की आबादी देखते हुए यहाँ एक इंटर कॉलेज का होना भी अत्यावश्यक है। अधिकांश संपत्तियों पर अवैध कब्जा हुए हैं जो अभी तक मुक्त नहीं हो पाया। इससे ग्राम पंचायत के विकास कार्य में बहुत अधिक बाधा आती है, विकास को पंगु बना रखा है। इसलिए मेरा शासन से अनुरोध है कि ग्राम पंचायत जितनी संपत्तियां अवैध कब्जे में हों उनको मुक्त कराने का सहयोग प्रदान करें। उधार करवाओ, विशेष है कि आज तक ना वो प्रधान ने काउ प्रधान ना करो, ये प्रधान ने तो रिकॉर्ड टूट दिया है। संध्या अंधेरी है, अंधेरी रात में 9 बजे 10 बजे चाहे तो घट पट बड़े आराम जाता है, सफेद सफेद दिखती नहीं थी दाएँ दाएँ, बहुत बढ़िया काम हुआ। अगर शासन द्वारा सेल्फ चेक काट जाए शौचालय के लिए तो बहुत ही अत्याधिक जल्दी ही ODF होने में, ODF ग्राम पंचायत को करने में हम लोग सक्षम हैं। लेकिन अकाउंट पे ही लाभार्थी के चेक होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लाभार्थी बैंकों से लेन देन नहीं करते, उनके अकाउंट पे चेक होने के कारण शौचालय का तो वो महीनों में 15 दिन में 2-2 महीने 3-3 महीने पेमेंट होने में लग जाते हैं, जिससे कि वो घुटन बन जाती है लाभार्थियों के अंदर
और कार्य करने में बनवाने में शिथिलता आ जाती है। इसी कारण से ODM कराने में हम कछुआ चाल चल रहे। ये हमारा शासन से अनुरोध है कि अगर वह अकाउंट पे ही चेक न दे करके लाभार्थी का सेल्फ चेक द्वारा भुगतान करे तो हम दिन रात चौकनी करके ODM ग्राम पंचायत को बहुत ही जल्दी ODM घोषित कर सकते। तीसरी भी हमारे शासन से ये मांग है कि हमारे ग्राम पंचायत के अंदर अत्यधिक ज्वलंत समस्या बाईपास की है जो ग्राम निधि द्वारा नहीं हो सकता। मैंने कई बार सांसदों विधायक महोदय जी से भी उनके संज्ञान में भी बाईपास डाल रखा है लेकिन अभी तक वह समस्या जो कि तो बनी हुई है। अगर शासन द्वारा मदद किसी तरह से मिल जाए तो वो बाईपास हो जाएगा। तो मेरा एक आदर्श ग्राम पंचायत बनने के कदम में बाधा नहीं है।